अल रहमान गार्डन फेज़ वन सियालकोट लद्दड़ चौक में जो वाक़ है उसकी कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ टू लॉन्च करने जा रहा है। के बिल्कुल अल रहमान गार्डन फेज़ वन से 3 किलोमीटर आगे बनने वाली चौक में मोहल्ले वकू इसका वाक़ है और आबादी के बिल्कुल संगम में अल्हम्दुलिल्लाह इसको लॉन्च किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं अल रहमान गार्डन सियालकोट फेज़ टू की एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर जो कि ऑन ग्राउंड है। और 4 साल का प्लान अल रहमान गार्डन सियालकोट आपको सियालकोट में फेज़ टू के नाम पे देने जा रहा है, जिसकी लोकेशन ऑन ग्राउंड मौजूद है। और सियालकोट का ये पहला और वाहद प्लान होगा जो कि इतने कम बजट में आपको ऑन ग्राउंड मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 साल की आसान इकसाद के ऊपर। कि इसकी जो लोकेशन है वो इमनाबाद रोड और डस्का रोड के बिल्कुल सेंटर में है। इन फ्यूचर अल रहमान गार्डन सियालकोट इन दोनों को आपस में लिंक भी कर सकता है। और ये जो हमारा प्लान है ये बिल्कुल ऑन ग्राउंड प्लाट्स की शक्ल में हम 4 साल प्लान दे रहे हैं, जिसमें जस्ट इनकी बेल्टिंग होगी और 1 साल में इसका इंशाल्लाह पोजेशन है जो हम लोग अवेल कर देंगे लोगों को। इंटरनेशनल लेवल पे फीचर्स भी लेके आ रहे हैं और बिजली गैस जो आम स्टैंडर्ड की चलती हैं स्कूल कॉलेजेस वो तो इंशाल्लाह हम लोग देंगे ही। अब तो लोग इन चीज़ों से बिल्कुल वाकफ हो चुके हैं, जो फीचर्स हैं उनके मुतलक लोग पूछते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके जाएं। इसमें एक स्टैंडर्ड लेवल का हम लोग कमर्शियल जोन देने जा रहे हैं और स्टैंडर्ड लेवल पे इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लोग लेक की शक्ल में कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें जो कि पहले पाकिस्तान में ना हो। इसमें जस्ट हम लोग 5 मरला और 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट दे रहे हैं और 4 मरला जस्ट कमर्शियल प्लॉट आएंगे। मोटरवे से 5 किलोमीटर बिल्कुल मुंडे के ग्राया चौक से समझ लें कि 3 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है और उधर से मोटरवे 1.5 किलोमीटर है आगे डस्का के जाने। बिल्कुल ईजी अप्रोच है, आप मोटरवे लिंक यूज़ कर सकते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है दनान भाई, देखें सबसे जो बड़ी बात है ये हमारे सीओ साहब का एक विज़न है जो ख्वाबों पे नहीं है, हकीकत पे मबनी है कि हम लोगों ने लोगों की खिदमत करनी है और हकीकत में रह के करनी है। लोगों को सस्ते प्लॉट देने हैं और एक अच्छी सोसाइटी देनी है जिससे एक अच्छा माशरा जो है वो बने। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एम के पीछे जो हमारे सीओ साहब हैं मियां मुश्ताक साहब उसी एम के पीछे चले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बुनियादी सहूलियात की फरहमी के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे फैसिलिटाइज कर रहे हैं, आसाइशें भी साथ साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 से 1.5 माह के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इसको प्रॉपर लॉन्च कर देंगे। जो पहले अल रहमान गार्डन फेज़ 1 में लोग रह गए हैं उनके लिए एक अब ये दोबारा सुनहरी मौका है कि वो अल रहमान गार्डन का हिस्सा बनने के लिए फेज़ 2 में अपना प्लाट बुक करवा सकते हैं।